नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। वो भी मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन लिया जिसमें 3 अंक है, यहाँ पर देखिए बड़ा सा क्वेश्चन लिया जिसमें 6 अंक है। कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं, कहाँ पर सिंगल आएगा, कहाँ पर डबल आएगा, सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले नोट आपको याद रखना है, हर एक क्लास में दोस्तों आपको वर्गमूल भाग विधि से आता है। 5 के बाद 6, 8, 9 आपका सब में आने लगता है और आपको निकालना होता है, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी भाग विधि से निकालना होता है। कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले नोट को ध्यान रखना है। नोट में क्या लिखा है मैंने, नोट में मैंने लिखा है कि अगर इकाई का अंक, मतलब कि इसमें जो आपका जिसका वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का अंक, मैंने लास्ट में जो अंक है वो 2, 3, 7 और 8 होगा तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, मतलब ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। स्क्वायर जो आपका स्क्वायर रूट है उसमें से जो आप किसका ये स्क्वायर है ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये नियम याद रखिएगा कि ठीक ठीक वर्गमूल कब नहीं निकलेगा, अगर अंक लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। लेकिन सर जी ये याद कैसे होगा, तो याद करने की बहुत समस्या है, इसका समस्या का समाधान मैं लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर इकाई अंक में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 2, 3 लगातार है, 7, 8 भी लगातार है, बस याद करना बहुत आसान है। 2, 3 और 7, 8 नहीं याद हो रहा है सर जी, तो देखिए इसमें एक ट्रिक है। 2, 3 तो याद हो रहा है ना, तो 2, 3 याद हो गया, उसके बाद 2 में 3 का अगर आप गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होता है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 8 आता है, बिल्कुल 7 के बाद 8 आ जाता है, बिल्कुल याद हो गया, 2, 3, 7, 8 अब तो नहीं भूलेंगे, बिल्कुल सर जी नहीं भूलेंगे। अब आगे क्वेश्चन को करना सीखते हैं। सबसे पहले जो है आपका क्या है, 784 है, इसका वर्गमूल क्या होगा आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लास्ट में क्या क्या जो भी कॉन्सेप्ट है वो ध्यान दीजिएगा, तीन ही क्वेश्चन में आपको सब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट में 2, 3 नहीं होना चाहिए, 7, 8 नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब निकल जाएगा इसका पूरा पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, इसको इस संख्या को लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं कि आपको समझ में आए, इस संख्या को लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं भैया, 7, 8, 4 यही संख्या है, बिल्कुल। तो इसका आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले पेयर बनाना होगा, जोड़ा बनाना होगा, पीछे से जोड़ा बनाना है। तो दोस्तों पहला मतलब 4 और 8 का बन जाएगा, उसके बाद ये सिंगल 7 बचेगा। अब क्या करेंगे, पेयर बनाने के बाद जो आपका यहाँ पर आता है, चाहे वो पेयर आता हो चाहे वो सिंगल आता हो, सिंगल आएगा तो भी अलग बताएंगे, पेयर आएगा तभी भी अलग बताएंगे। तो सिंगल में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये संख्या को आपको टारगेट करना है। क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर ऐसी संख्या से हमको इसमें जो है गुणा करके लाना है जिसका स्क्वायर, उसी से दोस्तों हमको भाग देना, कह सकते हैं भाग भी दिए तो उसी से दोस्तों हमको यहाँ पर भाग देना है जिसका दोस्तों स्क्वायर इससे या तो कम हो, ध्यान से सुनिएगा, जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2 से लेके जाते हैं तो 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर जोड़ते हैं और यहाँ पर आने के बाद घटा देते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर 2 से ले जाएंगे तो उसके नीचे भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। तो 2, 2, 4 होता है जोड़ने पे, और जो वर्ग करेंगे या फिर गुणा करेंगे, गुणा करने पर कह सकते हैं, तो गुणा करने पर जो आएगा वो 4 ही आएगा। तो 4 ही क्यों रख रहे हैं सर जी, मतलब 2 ही क्यों रख रहे हैं, 3 रखिए। तो चलिए देखते हैं 4 रखने पर क्या आ रहा है, 7 से छोटा आ रहा है। अब यहाँ पर 3 रख लेते हैं एक बार, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 3 रखा तो 3, 3 यहाँ पर जोड़ना है तो 9 हो जाएगा, सॉरी 3, 3, 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वाला इधर लिख दिए, जोड़ेंगे और इधर क्या करना था, गुणा करना था, तीसरी के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 तो 7 से बड़ा हो जा रहा है ना, 9 क्या हो जा रहा है, 7 से बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 2, 2 के यहाँ पर जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 का 2 का गुणा कर देंगे यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाते हैं, अब घटाते हैं तो 7 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सिंगल बचा 3 और यहाँ बचा 4, अब यहाँ पर कोई संख्या रखिए, 1 मान लीजिए रख देते हैं, तो 1 का दोस्तों 1 में जब आप गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि 41 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 3 से बड़ा है कि छोटा है, सबसे छोटी संख्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो 41 होगा, 41 से कम 41 तो 41 तो बड़ा है 3 से। अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ा आपको ऊपर से उतारना पड़ेगा, जोड़ा आपको ऊपर से उतारना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जो उतरेगा वो आपका उतरेगा 84, जोड़ा है ना, जोड़ा उतारना है, ठीक है।
अब 84 आया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिसका गुणा करने पर दोस्तों जो है ये टोटल टोटल कट जाए या फिर इससे कम आए, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 से रखते हैं, मतलब हमको ये यहाँ पर इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 4 है। 4 किसका किसका होता है? 4 होता है भैया 2 का, 2 दुना क्या होता है 4 होता है, ठीक है। और 8 का होता है, 8 अठाई क्या होता है 64 होता है, इसका भी देखिए इकाई का अंक जो है 4 आता है। तो यानी कि दोस्तों या तो हम 2 रख सकते हैं या फिर हम 8 रख सकते हैं। तो 2 रख के देखिए, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जो है 2 आपका 4 हो जाएगा और इधर भी आपका 4 हो जाएगा। और गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 दुना के आपका 4 प्राप्त होगा और 4 दुना के या फिर 2 चौक के आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जबकि हमको 384 लाना आ रहा है 84, यानी अब जो है 8 ही रखना पड़ेगा। ये मैं जान से रख रहा हूँ, रखते रखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मुझे आ रही है कि क्या अब रखना चाहिए, ठीक है, वो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कैसे रख रहा हूँ ये मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। तो 8 अठाई क्या होता है 64, 6 हासिल हो जाएगा और 4 क्या होता है 32, 32 और 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 दोस्तों आपका हो जाएगा 32 और 6 आपका क्या हो जाएगा 38। अब ये टोटल वैल्यू कट जा रही है, तो क्या आएगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल वही आएगा जिससे आप जो है गुणा करके समथिंग लाए थे, ठीक है। यानी दोस्तों जो है सबसे पहले हमने गुणा किया था 2 से, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा अंडर रूट में जो है 784 का जो आंसर आएगा सबसे पहले हमने 2 से किया था, फिर उसके बाद हमने 8 से किया था, यानी इसका आंसर आएगा 28। क्या आएगा इसका आंसर आएगा 28। चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा बड़ा जो है 5 अंकों का लेते हैं और उसका देखते हैं क्या आंसर आएगा, क्या वही प्रोसीजर लगेगा, कोई और प्रोसीजर लगेगा, सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या क्वेश्चन है, 5107 6। अब यहां पर क्या करना है, पीछे से वही जोड़ा बनाना है, 2 का 2 का पेयर बना और 5 आपका अकेले छूट गया, ठीक है। अब हमको वही प्रोसीजर लेना है यहां पर जगह लिखने के लिए, तो मैं लिखते चलूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमको 5 को टारगेट करना है, ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा करने पर, ऐसी संख्या उसका उसी में गुणा करने पर या तो 5 आए या तो 5 से कम आए। तो ऐसी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 का 2 जोड़ेंगे इधर 4 हो जाएगा और दोस्तों यहां पर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2 दुना के 4 हो जाएगा। अब यहां पर घटाते हैं, 3 क्यों नहीं लिया हमने, तो 3 3 लेंगे ना, तो 3 दुना के 6 जोड़ने पर, जोड़ने से नहीं मतलब है, लेकिन तितरी के 9 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 तो 5 से बड़ा है ना, इसीलिए हमने 2 लिया। तो यहां पर जो है 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 4 से कम है, 1 भी बार में लेके जाएंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों अब हमको यहाँ पर जोड़ा उतारना पड़ेगा, यानी आपका 10 उतरेगा, तो 10 उतरेगा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 लेके जाएंगे तो 41 हो जाएगा, 2 लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए एक सेकेंड, 84 हो जाएगा। यहाँ पर 4 ये हो जाएगा जोड़ने पर और यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणा करिए तो आपका हो जाएगा 2 दुना के 4 और यहाँ पर 4 दुना के आपका क्या हो जाएगा 8, यानी 84 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने 3 क्यों नहीं लेके गए, हम 3 देखिए 3 जब लेके जाते हैं तो 4 3 12 आपको सीधे सीधे दिख रहा है, अगर 40 भी रहेगा एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, अगर हम यहाँ पर 3 लेके जाते तो क्या होता, ध्यान दीजिए 3 3 के आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 9 हो जाता, ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, आपका 46 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 3 के 9 हो जाता और 3 4 के आपका 12 हो जाता, यानी 129 हो जाता, 129 का भी 110 में से घटेगा नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर क्या रखना है, तो जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 4 44 हो गया, यहाँ पर जोड़ा जाता है, यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दुना के 4 यानी 4 हो जाएगा और 4 दुना के आपका 8, 84 को दोस्तों 110 में से घटाना है, यानी आपका यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, हमने यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर अब 0 हो गया क्योंकि 1 दे दिया था, अब यहाँ पर इससे ले लेगा तो 10 10 में से आपका 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 84 यहाँ पर हम एक भी बार में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, यानी 26 काफ़ी छोटी संख्या है, यानी अब हमको पेयर फिर से उतारना पड़ेगा, तो 76 यहाँ पर पेयर से उतरेगा, अब हमारा हो जाएगा 2676।
अब क्या रखें यहाँ पर कि 6 प्राप्त हो? तो दोस्तों 6 इकाई का अंक कब प्राप्त होगा? जब दोस्तों इकाई का अंक कब 6 प्राप्त होगा? जब 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो जब 6 का 6 में गुणा होता है ना, 6 6 36, तब यहाँ पर दोस्तों हमको 36 में देखिए तो 6 जो है इकाई का अंक मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों 6 बार में ही जाएगा, और कोई करके देख लीजिए नहीं आता है, 4 से आता है। तो चचऊ के 16 होता है, 4 का 4 में गुणा करेंगे चचऊ के 16 होता है, इसको भी करके अगर आप देख लीजिए तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किससे जो है आपको लेके जाना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर अगर 4 से भी लेके जाते हैं तो चचऊ के 16 बिल्कुल 6 आ गया है, 1 बच गया। चचऊ के 16 और 1 क्या हो जाएगा आपका 17, ये भी आ रहा है भैया, देख लेते हैं फिर। चचऊ के 16 और दोस्तों 1, 16 1 17, तो ये कट कहाँ रहा है, नहीं तो कट रहा है फिर आपका आगे कुछ है भी नहीं कि इसको लेके जाएं, यानी 6 बार में ही जाएगा। कितनी बार में? 6 को ही लेके जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किससे आपको ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 6 36 यानी 6 3 हासिल हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पर हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 चौके 24 और 3 क्या हो जाएगा 27, यहाँ पर 2 हासिल हो जाएगा। 6 चौके 24 और 2 आपका क्या हो जाएगा 26, यानी टोटल का टोटल संख्या कट जा रहा है, माने इसका क्या हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो पहले हम 2 से ले गए थे, किससे ले गए थे 2 से, फिर हम 2 से ले गए थे, फिर हम 6 से ले गए, यानी 226 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। जिससे जिससे आप आगे जो है इसको काटने के लिए लेके गए हैं उसको उसको यहाँ पर लिखते चलेंगे, 2 पहले फिर 2 फिर 6, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या ले लेते हैं जो कि 6 अंकों का है, और इसको कैसे किया जाएगा उसको सीखिएगा, ध्यान से एक एक चीज़ आपको देखना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, यहीं पर मैं खाँच दे रहा हूँ क्योंकि पेज थोड़ा बचे, क्योंकि इसका बड़ा मेरे को समझ में आ रहा है कि बड़ा जाएगा, ये गेम जो है बड़ा जाने वाला है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे 1 2 3, यानी पेयर ही बन रहा है, इसमें कोई अकेला संख्या नहीं आ रहा है, तो अब उसकी तरह नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे 27 को लेंगे डायरेक्ट, एक अंक को नहीं लेना है, 27 को लेना है। अब ऐसी संख्या से हमको इसको काटना है, गुणा करके लेके आना है, जो संख्या का वर्ग या फिर उसको उसमें गुणा करने पर या तो 27 आए या तो 27 से जस्ट नीचे आए, ठीक है। तो अगर हम 4 से ले जाते हैं तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, चचऊ के क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी दूर है, अगर आप 5 से ले जाइए, सबसे नज़दीकी को ले जाना चाहिए। अगर हम 5 से ले जाते हैं तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है कम है। अब देखते हैं 6 से ले जाके, तो 6 6 के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 ज़्यादा हो जाएगा 27 से, इसलिए 5 से ही ले जाएंगे। एक एक चीज़ मैंने आपको सिखा दिया है, तो यहाँ पर जब आप यहाँ जोड़ दिए यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा 27 में से 25 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर कट नहीं रहा है तो अब यहाँ पर जब भी एक भी अगर रखेंगे, एक से भी ले जाएंगे तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर में उतारेंगे तो 56 को उतारेंगे, 256 हो गया, और 2 से ही ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, जिसे 2 से ले जाएंगे ना, तो 2 से अगर मान लीजिए 202 है तो 2 से जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 ये 2 हो जाएगा, 200 समथिंग आएगा। अगर 300 से लेके जाएंगे, मतलब सॉरी 3 से ले जाएंगे तो 300 समथिंग आएगा, क्योंकि एक में जब 3 का गुणा होगा तो 300 आएगा, और यहाँ पर 33 के 9 हो जाएगा, यानी 309 होगा, तो हम 2 से ही ले जाएंगे, इससे कम होना चाहिए ना, 2 से हम ले जा रहे हैं भैया, 2 से लेगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 2 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 हो जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर क्या होगा, 2 दुना के आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 0 2 में 0 काटेंगे तो 0 ही होगा, 2 का 2 1 में जाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी आपको 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, 2 में से 2 कट जाएगा, यानी 52 आ रहा है, 52 आ रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 52 क्योंकि 104 में 1 से भी लेके जाएंगे तो 1000 आपका 41 हो रहा है, ये काफ़ी ऊपर है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या ले जाना, हमको पेयर उतारना पड़ेगा, 25 पेयर उतारना पड़ेगा, 25, ठीक है। तो 25 पेयर उतारेंगे तो क्या हम रखें ऐसा कि कट जाए, देखिए 5 लास्ट में है, 5 किसी का कब आता है, जब 5, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं कि आगे बचेगा, 25 हमने तो उतार दिया है, कब होता है, जब 5
का जब इकाई का अंक 5 कब होगा, जब भी 5 से ही हम उसको गुणा करेंगे या फिर उसका वर्ग निकालेंगे या कुछ भी करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 कैसे रखेंगे, जिसे 5 का देखिए 50 25, 15 कौन काट सकता है, 3 भी काट सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 25 है, देखिए ना ध्यान से, 25 को 3 नहीं काट सकता है, ठीक है। या फिर 3 भी काटेगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 तितरी के 9 होना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि गुड़ा उसी से करते हैं जो कि उसी से दो बार उसी को रख करके गुड़ा करना पड़ता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 25 है, 25 यानी 5 बार में ही जाएगा। ये मुझे ऐसे ही पता चला क्योंकि 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो आपको भी पता चल जाएगा यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और 4 एक 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए 50 25 यानी 5 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 के 20 और 2 आपका 22 होगा, फिर 2 हासिल हो जाएगा, फिर 5 का 0 हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 2 को जोड़ना है तो 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही हो जाएगा। फिर 5 कम 5 यानी 5 का पूरा का पूरा संख्या कट जा रहा है, यानी दोस्तों इसका जो आपका वर्गमूल आएगा क्या आएगा, सबसे पहले हम 5 से ले गए हैं तो 5 लिखेंगे, उसके बाद हम 2 से ले गए हैं तो 2, फिर 5 से ले गए हैं तो 5, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो 525 आएगा। एक एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है कि कैसे आपको निकालना है वर्गमूल भाग विधि से। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के लिए देखो सीखो स्टडी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन स्क्रीन पे आ रहे ट्रिक्स को देख करके जाइए, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके हैं सीखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।